वेलकम फॉर ऑल व्यूअर। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का आगाज करेंगे। ओवरटेंटन कैलकुलस 10th और 11th एडिशन और कैलकुलस 2 के अंदर आज हम एक्सरसाइज कौन सी पढ़ेंगे, 7.3। तो सबसे पहले हम इसके रूल देख लेते हैं। हमने बेसिकली इंटीग्रेशन करते हैं तो तब हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिनमें साइन होता है, कोस होता है, कोसेकंट होता है, सीकंट होता है, टैन होता है और कोट होता है। लेकिन जब बात आती है इनके प्रोडक्ट की, मीन कि इनकी पावरें भी हो और इनका प्रोडक्ट भी हो, तो तब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोस 3x साइन स्क्वायर टी एक्स हो, तो हम इसको सिंपली इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है जो हमने अब तक कोई पढ़ा हो। तो हमारे पास सबसे पहले इसके रूल हैं। सबसे पहले आपने रूल को सिर्फ समझना है। इसके नोट्स मैं पीडीएफ के अंदर शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर देख लीजिएगा। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको वहाँ दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपका काम क्या है, समझना। तो सबसे पहले अगर हमारे पास एन हो ओड, अगर हमारे पास, मैं मिसाल के तौर पर बात करूँ, कोस एक्स साइन एक्स, तो इसकी पावर क्या बनेगी, एन, और इसकी पावर एम। अगर हमारे पास वो कहता है कि इसकी पावर क्या हो, ओड नंबर हो, मीन के वन ना हो, वन से बड़ी पावर हो, लेकिन क्या हो, ओड। मिसाल के तौर पर कोस 3x साइन स्क्वायर एक्स। अब हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फैक्टर को स्प्लिट अप करना है। स्प्लिट अप किसे कहते हैं, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, फैलाना, मीन के कैसे फैलाएंगे, हम कोस स्क्वायर एक्स और कोस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से हमने क्या कर लिया, स्प्लिट अप कर लिया। अब हमने क्या करना है, अप्लाई द रेलिवेंट आइडेंटिटी, कोस स्क्वायर एक्स को किसके बराबर कर देना है, वन नेगेटिव साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। मीन के कैसे, ये जो कोस स्क्वायर था, ये तो आपको पता है ना, साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, वन पॉजिटिव कोस, सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, वन के। तो अब हमारे पास क्या है, कोस का स्क्वायर, तो कोस का स्क्वायर इधर लिख लिया और साइन उधर जाके नेगेटिव हो गया। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वन नेगेटिव साइन का स्क्वायर एक्स कोस एक्स, और ये क्या था, साइन का स्क्वायर एक्स एज इट इज़। तो ये हमने क्या कर लिया, इसे सब्सट्रैक्ट अप कर लिया। अब वो क्या कहता है, अप्लाई द रेलिवेंट आइडेंटिटी कोस स्क्वायर, सॉरी ये दूसरा पॉइंट रहता था, ये एंड पे आना था, इसलिए मैंने थर्ड वाला पॉइंट पहले समझा दिया। तो यू किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक्स के बराबर। तो सब्सटीट्यूट कौन सा लेंगे, यू साइन एक्स का, गर्मी है इसलिए वीडियो को पॉज करके बनाना पड़ता है, सॉरी। तो यू इज इक्वल टू साइन एक्स, मिसाल के तौर पर। अब हमारे पास बड़ी पावर कौन सी होगी, कोस को तो हमने तोड़ तोड़ कर, मीन के पिला पिला कर इसकी पावर को तो रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। अब बड़ी पावर जाहिर वाली बात है, दो ही फंक्शन है ना, साइन और कोस के लिए हम इंटीग्रेट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो दूसरा फंक्शन हमारे पास साइन एक्स बचेगा। तो साइन एक्स की पावर बड़ी होगी तो हमने इसे सब्सटीट्यूट कर देना है। मिसाल के तौर पर साइन एक्स को यू के बराबर रख लिया, डी यू किसके बराबर होगा, कोस एक्स के बराबर। अगर हम और डी एक्स के बराबर, यहाँ पर भी डी एक्स था ना, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ सब्सटीट्यूट की, तो हमारे पास क्या बनेगी वैल्यू बताएं, तो ऑब्वियसली साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, यू का स्क्वायर, और कोस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी एक्स। साइन स्क्वायर की जगह भी क्या आ जाएगा, यू का स्क्वायर और डी एक्स एज इट इज़, ऐसे ही आएगा ना। तो इस तरीके से हमने इसको सब्सटीट्यूट कर लेना है। अब बात आती है इन केस ऑफ एम, मीन के साइन की पावर अगर हमारे पास ओड हो, मीन के यहाँ पर अगर इसका क्यूब हो, तो फिर कैसे हम उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। तो वैसे ही करना है, इसे भी हमने सप्लीट कर देना है फंक्शनों के अंदर। जब तक ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको फार्मूले समझ नहीं आएंगे, लेकिन आप जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लें। ये वाला फार्मूला उसके ही रिवर्स कर देना है, साइन स्क्वायर को इधर रख लेना है और कोस उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और फिर हमने इसका भी सब्सटीट्यूट बनाना है कोस का। अब पावर तो हमारे पास साइन थी ओड की, और हम सब्सटीट्यूट किसे बना रहे हैं, कोस को, क्योंकि साइन की पावर को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। जब हम रिड्यूस करते हैं तो इसकी पावर कम हो जाती है, तो ऐटोमेटिकली जो दूसरा फंक्शन होता है उसकी पावर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि साइन स्क्वायर था तो कोस की पावर ज़्यादा हो जाएगी, तो कोस को हमने सब्सटीट्यूट के बराबर रख लेना है, और जो डी एक्स आएगा वो साइन एक्स के बराबर आ जाएगा। अब हम चलते हैं इवन पावर हो दोनों की। अब ये वाला फार्मूला हमने
ट्वेल्थ के अंदर पढ़ा था, एक्सरसाइज 10.4 के अंदर ये वाला फार्मूला आपने भूलना नहीं है। मीन के हम क्या पढ़ते होते थे कि हमारे पास 2 sin² एक्स किसके बराबर हो जाता था, 1 negative cos² 2x। अब हमारे पास अगर साइन स्केयर एक्स हो तो को जो 2 होगा, अगर मैं इसे इस साइड पे लेके आऊँ, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अगर कोस की बात होगी तो फिर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर यहाँ पे 2 होता, मिसाल के तौर पर साइन का स्केयर 2x होता, तो फिर क्या आना था हमारे पास, तो ऑब्वियसली हमारे पास cos 4x/2 आ जाना था। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर 3 होता तो 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करवाना था तो कितना आ जाना था, 6x आ जाना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर, वो हम देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, cos की पावर 3x और sin की पावर x। अब एक बात आपने याद रखनी है, जहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इम्प्लाई होगी, वो कैसे, क्योंकि साइन की भी कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन की पावर नहीं है। जब साइन की पावर नहीं होती थी तो हम क्या बना लेते थे, सब्स्टिट्यूट बना लेते थे। कैसे सब्स्टिट्यूट बनाते थे, मैं अभी दिखाता हूँ। ये सिंपल इंटीग्रेशन होगी, अब यू की पावर हमने क्या ली है, कोस एक्स को हमने किसके बराबर रख लिया, यू के। ये तब करना है जब हमारे पास, देखे ना, एम की पावर साइन एक्स को हमने क्या लेट किया था, एम, और इसे एन। अब m की पावर ही 1 है, तो जब किसी चीज़ की पावर 1 होगी तो हमने बेसिकली क्या बनाना होता है, सब्स्टिट्यूट ही तो बनाना होता है। तो सब्स्टिट्यूट हमारे पास पहले ही बना है, तो हम इसे सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर du किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव साइन x के बराबर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx, क्योंकि हमने इसके क्या लिया है, डेरीवेटिव। अब देखें यहाँ पे कोज एक्स किसके बराबर आ जाएगा, यू के बराबर, इसकी पावर 3 थी तो इसकी पावर भी 3 बन जाएगी। साइन एक्स और डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे डी यू के। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, कैसे गलती कर देते हैं, यहाँ पे तो नेगेटिव था तो नेगेटिव क्यों नहीं लगाया। तो मैं बेसिकली आपको चेक भी करता रहता हूँ कि आप जाग भी रहे हैं या सिर्फ लेक्चर सुन रहे हैं, तो आपने जाग के बैठना है। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन एक्स और डी एक्स लगा दिया। अब ये वाला नेगेटिव बाहर रहेगा, क्योंकि ये वाला नेगेटिव किसके अंदर हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बन गया, सिंपली सब्स्टिट्यूट बन गया। इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसकी पावर 3 है तो पावर के अंदर एक ऐड करते हैं हम इंटीग्रेशन के, और बटे के नीचे भी ऐड करेंगे, और डी यू कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी। सी क्या होता है हमारे पास, आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब यू की पावर 4 बन जाएगी और नीचे भी 4। U किसके बराबर लिया था हमने, मेरा U ऐसे ही है लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा, हैंड राइटिंग प्रॉब्लम, सॉरी इसके लिए मैं बात रखा हूँ। तो क्या बन जाएगा, कोस की पावर 4, और यहाँ पर सी भी आ जाएगा, सॉरी। तो डिवाइड में हमारे पास 4 आ जाएगा, किसके बराबर था, एक्स के बराबर था, और पॉजिटिव सी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ये तो ईजी था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। मेरी एक आदत होती है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ आपको, मैं तो आपको इतने ही फैसिलिटेट कर सकता हूँ ना जितना मैं कर सकता हूँ। तो मैं यही चाहता होता हूँ कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं सारे ही क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। अगर फिर भी कोई रह जाए तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, साइन की पावर 5 3x और कोस 3x। यहाँ पर भी हमारे पास m की पावर क्या बनेगी, तो ऑब्वियसली 1 बन रही है, तो हम डायरेक्ट इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास u किसके बराबर हो जाएगा, अब हमारे पास साइन 3x के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एक गलती करते हैं बच्चे, वो गलती क्या है अभी आपने फाइंड आउट करनी है मेरे साथ ही। डी यू इसका अब डेरिवेटिव क्या बनेगा, साइन का तो डेरिवेटिव हमें पता है कोस, ये तो आ गया, कोस कितना बन जाएगा हमारे पास, 3x। यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि आपको सब डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, किसका लेना पड़ेगा, यहाँ पर डी आवर डी एक्स और 3x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तब आपका क्वेश्चन ये सोल्व आउट होगा। कैसे, 3x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3, तो ये हमने बाहर लिख दिया cos 3x और dx। ये गलती करते हैं बच्चे, लेकिन आपने गलती नहीं
करनी, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन मुझसे समझा हुआ है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हमारे पास हमें कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? कि हमारे पास 3 cos 3 x हो, मिसाल के तौर पर कैसे डी एक्स, यहाँ पे एक्स आएगा। अब 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, वॉइस डिस्टोर्शन हो गई थी सॉरी। तो 3 आ गया। अब हम इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 1/3 एज इट इज़। साइन को किसके बराबर रखा है? साइन 3x को u के बराबर रखा था, और इसकी पावर 5 थी, तो ऊपर 5 आ जाएगा, और डी यू एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये सारा किसके बराबर था? डी यू के बराबर था। तो अब हम इसका सब्सटीट्यूट सिंपली मेथड से ले सकते हैं। कैसे? यू की पावर 5 थी तो 1 ऐड कर दिया, और फट्टे के नीचे भी 5 + 1 कर दिया, और यहाँ पे सी आ जाएगा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यू की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास? 6, और डिवाइड में हमारे पास कितनी हो जाएगी? 6 पॉजिटिव सी। 3 × 6 इज इक्वल टू 18। यू की पावर 6 और 18 पॉजिटिव सी। तो यू किसके बराबर था हमारे पास? साइन की पावर 6, 3x और 18 हैज इट इज़, और मल्टीप्लाई सी। तो ये क्या बन जाएगा इसका आंसर? ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बिना टाइम वेस्ट किए। अब हमारे पास नई स्ट्रेटजी वाले क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? साइन का स्केयर 5 थीटा, और यहाँ पर भी थीटा आएगा सॉरी, और यहाँ पर डी एक्स, कोस का स्केयर और 3x। अब यहाँ पे एक बात आपने बड़े ध्यान से समझनी है। हमने फार्मूला पढ़ा था कौन से वाला, कि साइन स्केयर थीटा किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? 1 cos 2 थीटा, और डिवाइड में हमारे पास 2, तो हम वैसे ही लिखेंगे। लेकिन ये हमारी इंटीग्रेशन नहीं होगी, जस्ट फार्मूला होगा। लेकिन यहाँ पे 5 है, मीन के साइन स्केयर 5 थीटा डिवाइडेड बाय कोस 2 × 5, तो 10 आ जाएगा, 10 और 2 एज इट इज़, और यहाँ पर थीटा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? साइन ये वाली रकम हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन हैज इट इज़ आपने याद रखना है, ये इंटीग्रेशन नहीं है, जस्ट फार्मूला है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 1 cos 10 थीटा। 10 थीटा क्यों आया? क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 5 थीटा है, यहाँ पे अकेला थीटा था, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 थीटा। अब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 थीटा, और डिवाइड में 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? डी थीटा। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे, तो 1 cos 10 थीटा और डी थीटा, यहाँ पर थीटा आएगा सॉरी। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 1/2, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन लूँ अकेले अकेले की, तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है? थीटा। ये आपको पता है, इसलिए मैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो कोस की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, जल्दी बताएं? नेगेटिव साइन होगी ना? नहीं जी, नेगेटिव साइन नहीं होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स होती है। जो साइन की इंटीग्रेशन होती है वो नेगेटिव कोस, और नेगेटिव कोस की क्या होती है? पॉजिटिव साइन थीटा। तो साइन 10 थीटा। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है आप मुझे बताएं, ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है या नहीं बताएं? हो गया यहाँ तक सोल्व? तो यहाँ पे डी थीटा तो नहीं आएगा, पॉजिटिव सी आएगा। एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास साइन की तो इंटीग्रेशन आ गई है, वो तो 10 थीटा, लेकिन वो थीटा जोन सा था वो किधर गया हमारे पास? किधर गया बताएं? तो ऑब्वियसली यहाँ पर 10 आएगा, क्योंकि 10 थीटे की भी हमने डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोस 10 थीटा था, तो हमारे पास इसका डी थीटा था। अब हमारे पास इसको इंटीग्रेट करने के लिए 10 थीटे का डेरिवेटिव होना भी मौजूद है, मीन के 1/10 होगा, और कोस 10 थीटा डी थीटा, तो तब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन 10 थीटा और डिवाइड में 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने भी इधर ऐसे ही लिख दिया। अब हम इसे खोल के लिखना चाहें तो 1/2 थीटा, तो साइन 10 थीटा और डिवाइड में हमारे पास 20। आपसे माजर था हूँ कि कैमरा चलते चलते बंद हो गया था, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया था, तो इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ आपसे। तो जब हमने इसको सेपरेट किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 20 आ जाएगा,
जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 1/2 के साथ। ये क्वेश्चन भी हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया था, मुझे पता नहीं चला था कि मेरा फ़ोन का कैमरा बंद हो गया था वीडियो बनाते बनाते। लेकिन आपको ये क्वेश्चन मैं अभी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कोस था, जब हमारे पास कोस हो तो दरमियान में पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो साइन हो तो नेगेटिव आता है, ये तो आपको पता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 6 कैसे आया, यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी था, यहाँ पे 3x था, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6x आ जाएगा। इसको मैंने सेपरेट से, तो यहाँ पे हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कोस 6x को आपको पता है कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, और यहाँ पे 6x था तो 6x एज इट इज़, और 6x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 6, तो हमने इसको क्या लिख लिया, डिवाइड के अंदर लिख लिया, और 1/2x एज इट इज़ 1/12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये कैमरे का बार बार मेन के मेरी स्टोरेज फुल हो गई थी फ़ोन की, तो इस वजह से डिस्टॉर्शन हो रही थी, मैं इसके लिए सॉरी करता हूँ फिर आपसे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास साइन का क्यूब अल्फ़ा थीटा और डी थीटा, यहाँ पे फंक्शन कौन सा है डेरिवेटिव वाला, थीटा, तो आपने थीटा को लेके चलना है। कैसे लेके चलना है, यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर ओड है, हमारे पास कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है जिससे हम साइन क्यूब को सॉल्व कर सकें, तो हमने क्या करना है, इसे सब्लिप्ट अप करना है। सब्लिप्ट अप कैसे करना है, साइन थीटा और साइन का स्केयर थीटा। आपने याद रखना है अल्फ़ा यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन के तौर पर काम कर रहा है, कांस्टेंट फंक्शन से मरा यहाँ पे अल्फ़ा, और यहाँ पे अल्फ़ा तो आएगा लेकिन यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हमने नहीं लेना। तो क्या बन जाएगा, साइन अल्फ़ा थीटा और साइन स्केयर का किसके बराबर होता था, 1 नेगेटिव कोस का स्केयर अल्फ़ा थीटा और डी थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन अल्फ़ा थीटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोस का स्केयर अल्फ़ा थीटा और साइन अल्फ़ा थीटा और डी थीटा बन जाएगा, और यहाँ पर भी डी थीटा। तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव कोस अल्फ़ा थीटा। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि कोस का स्केयर तो एज इट इज़ ही आएगा, क्या कोस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और कोस का स्केयर अल्फ़ा थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन अल्फ़ा थीटा, और यहाँ पर डी थीटा आ जाएगा। अब मैं इसको मज़ीद कैसे सोल्व आउट कर सकता हूँ, तो इसको मज़ीद सोल्व करने की हम अकेले हमें क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पर तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएंगे, और ये कोस का स्केयर और अल्फ़ा थीटा किसके बराबर बन जाएगा हमारे पास, कोस, जब किसी चीज़ का डेरिवेटिव हो तो हमें सिंपली पावरें ऐड करना पड़ती हैं, तो पावरें ऐड कर देंगे, तो 2 के पावर 2 और पॉजिटिव 1, ये मैं नहीं लिख रहा लेकिन आपको याद होनी चाहिए, तो कितना बन जाएगा, कोस 3 अल्फ़ा थीटा। अब अल्फ़ा यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन के तौर पर काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे 6 कांस्टेंट फंक्शन था तो हमने इसे डिवाइड के अंदर लिखा था, अब यहाँ पे अल्फ़ा भी क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो हम इसे डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर भी अल्फ़ा आएगा, नेगेटिव कोस अल्फ़ा थीटा, और डिवाइड में भी अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सिंपली वही सब्लिप्ट अप कर देना है, तो कोस किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा टी के अंदर, और कोस स्क्वायर अल्फ़ा टी के अंदर हो जाएगा, और डी टी के बराबर हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोस अल्फ़ा टी और 1 नेगेटिव साइन स्क्वायर अल्फ़ा टी के बराबर हो जाएगा। सिंपली वही हमने इसको भी सेपरेट करके लिख देना है, कोस अल्फ़ा टी और डी टी लिख देना है, और यहाँ पे क्या लिख देना है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा टी और कोस अल्फ़ा टी और डी टी के बराबर लिख देना है। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कोस अल्फ़ा टी का डेरिवेटिव हमारे पास साइन अल्फ़ा टी, अल्फ़ा यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है तो डिवाइड के अंदर चला जाएगा, जो भी बात है यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कोज है, साइन के डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव कोज एक्स, मीन के हमें यहाँ पे नेगेटिव इस तरह लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन का क्यूब अल्फ़ा टी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फ़ा और पॉजिटिव सी। तो ये क्या हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी ईजी है, मैं अभी आपको करवा देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास साइन अल्फ़ा एक्स और कोस अल्फ़ा एक्स। तो यहाँ पे आप किसी भी फंक्शन को यू के बराबर रख लें, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व आउट कर सकते हैं। तो हम किसे रखें, कोस को रखें या साइन को? साइन को रख लेते हैं क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव कोस एक्स। अगर कोस को रखेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव की गलती होगी, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम पॉजिटिव वाले रास्ते पर चलते हैं, तो क्या बन जाएगा, साइन अल्फ़ा एक्स, और यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका डेरिवेटिव, कोस अल्फ़ा एक्स, और यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा और यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा। अब हम इसको सिंपली ये वाले वैल्यू को हम पुट कर देंगे, यू और डी यू के बराबर आ जाएगा। तो यू का डेरिवेटिव क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा चाहिए, अल्फ़ा चाहिए, एक गलती है, मीन के साइन अल्फ़ा एक्स और यहाँ पे हमें अल्फ़ा चाहिए। तो अल्फ़ा के साथ हमने क्या किया, कोस अल्फ़ा एक्स, और यहाँ पे अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई और डी एक्स लिखेंगे और डिवाइड में भी अल्फ़ा लिखेंगे, तो वन बाय अल्फ़ा और यू डी एक्स। अब इसके किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा लिख दिया हमने, तो क्या बन जाएगा इसका यू का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन क्या बनता है हमारे पास, इसका स्केयर और नीचे भी स्केयर, जो वैल्यू ऊपर होगी वही नीचे लिखनी होती है पावर के सी। तो किसके बराबर हो जाएगा, वन ओवर अल्फ़ा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, कोस, कोस के बराबर होगा, सॉरी आपको पेज में नज़र आ रहा होगा, कोस के बराबर होगा ना, नो जी साइन के बराबर होगा। आपने जाके ये लेक्चर लेना है, नोट्स आप इस नोट आपको इसके मिल जाएंगे, डोंट वरी। साइन अल्फ़ा एक्स और यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, सी के बराबर। तो इसका आंसर क्या आ गया, वन ओवर अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एक्स पॉजिटिव सी। तो ये क्या बन गया इसका आंसर। तो आज के लेक्चर हमने यहीं तक ही पढ़ने थे। अगर आपको मज़ीद फिर भी कोई क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइबर मैं आपसे नहीं मांगता, क्योंकि अगर आपको खुद वीडियो अच्छी लगे तो आप खुद ही सब्सक्राइब कर देते हैं, तो मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।